नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टेक्निकल। आज जो दोस्तों मेरे पास एक सेट आया है, ये सेट है लावा का सेट है, लावा Z62 का सेट है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर जो है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आपको क्लीन दिखाते हैं, देखिए लावा Z62 का मॉडल है। चल चलिए, इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, इसमें ना देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मुझसे गूगल अकाउंट पूछा जा रहा है। तो गाइस, इसका जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ज़रूरत है वाईफाई, इसीलिए मैंने कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो इतना सब कुछ मैं अगर दिखाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो चलिए, मैं जो मेन मेन स्टेप है क्या क्या आपको करना चाहिए उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे, यहाँ पे मैं इमरजेंसी में चला जाता हूँ। तो गाइस जो है स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो मैं टैप करता हूँ, फिर मुझे जाना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है लावा केयर। तो मैं सिंपली जो है इस पर चला जाता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइस, इसको जो है मुझे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस कोड को आपको ध्यान से देख लेना है कि मैंने क्या कोड ओपन किया है क्या नहीं किया, ठीक है। स्टार हैज़ फोर, सॉरी स्टार हैज़ फिर से एक बार 4 6 4 6 3 6 हैज़ स्टार। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो मेरा टेस्टिंग मोड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको चेक, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो देखिए, मैं सिंपली यहाँ पे सेटिंग में आ चुका हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चलूँगा सिंपली ऐप्स में, और देखिए यहाँ पे मुझे यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा है। यूट्यूब पे चलूँगा सिंपली, तो गाइस इसका जो नोटिफिकेशंस है, तो यहाँ से मैं गूगल में एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैं क्रोम में कैसे जाऊँगा, तो आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एडिशनल सेटिंग पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे यूट्यूब को अपडेट करने के लिए पूछ रहा है। तो मुझे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको फिर से एक बार हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं एक बार फटाफट से हार्ड रीसेट। तो गाइस फाइनली जो है मैंने यूट्यूब का अपडेट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है हार्ड रीसेट करके। देखिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं अबाउट पे चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे YouTube टर्म्स एंड प्राइवेसी सर्विस को दिखा रहा है। तो चलिए, क्रोम जो है सिंपली ओपन हो चुका है। ओके, नो थैंक्स। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो है हमारा YouTube चालू हो चुका है। YouTube का यहाँ पे जो हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे दूसरा एक पेज ओपन कर लेता हूँ और उस पेज पे मैं सर्च करूँगा, ठीक है। तो गाइज जैसा कि मैं गूगल क्रोम में देख रहे हैं, अब मैं क्रोम में हूँ, यहाँ पे BN Rome बाईपास, नेट बाईपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब देख सकते हैं। तो गाइज मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है,
इसीलिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एंड्रॉयड जी एम ई जो है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस नेट थोड़ा सा स्लो है, इसी कारण से मैं इसको फिर से ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है खुल चुका है। तो मैंने जी ए एम को एंड्रॉयड 5 को डाउनलोड किया है, और यहाँ पे जो उसकी बात वाला है FRP बाईपास, तो मैं जस्ट उसके बाद वाले को ही ले रहा हूँ FRP बाईपास। तो देखिए गाइस यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन, मुझे डाउनलोड कर नहीं दे रहा अभी। तो मेरे ख्याल से मैं फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो गाइस नेट थोड़ा स्लो है, इसी कारण से यहाँ पे नहीं आ रहा। तो मैं पहले तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ गया मैं। तो ओके, ये 2 बार डाउनलोड हो रहा था, ठीक है कोई नहीं, तो वेट कर लेते हम, क्योंकि मैंने 2 बार टच किया था इसीलिए, मतलब यहाँ पे 2 बार जो है FRP का फाइल आ गया है। तो मुझे एक नहीं चाहिए, तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि बाद में डाउनलोड कर रहा था मैं। तो गाइस ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो मैं एक बार फिर से इसको जो है रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा दिक्कत आ रहा है मुझे, तो कोई नहीं। तो गाइस देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे मैं फाइल को जो FRP का है उसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, और एंड्रॉयड जो है 8.9 एंड्रॉयड वर्ज़न जो है, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड 8.9 वर्ज़न को कर रहा हूँ। अब ये डाउनलोड होने के बाद मैं सिंपली इसको इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा डाउनलोड होने देते हैं इसको। गाइस यहाँ पे जो है मेरा फाइल जो है पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ओके, यहाँ पे जितने सारे परमिशंस को पूछा जा रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब जो है FRP फाइल को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो FRP फाइल हो गया इंस्टॉल। ओके, चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। वाओ, अब 3 डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो चलिए गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे मुझसे एक ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करूँगा, फटाफट क्रिएट करके फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी एक आईडी क्रिएट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ। मैंने एक नया आईडी अभी क्रिएट किया है दोस्तों। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है आईडी क्रिएट मेरी हो चुकी है। ओके, ये यहाँ पे साइन इन हो गया है। तो गाइज़ यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है।
तो चलिए मैं अभी आपको फ़ोन को चालू करके दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। तो चलिए अभी मेरा पूरा प्रोसेस जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं फ़ोन को सिंपली रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ रीस्टार्टिंग। देखिए यहाँ पे फ़ोन जो मेरा रीस्टार्ट हो रहा है। ओके तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली जो प्रोसेस है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखना है मुझे। ओहो भाई इतना क्यों घूम रहा है। तो दोस्तों देखिए इतना सारा घूम रहा था, घूमने का नतीजा देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है मेरा फोन पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। तो गाइस देखिए वाओ सिंपली जो मेरा फ़ोन जो है अभी पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है गाइस। तो अभी जो मेरा यहाँ पे जो बाकी का प्रोसेसिंग था मैं कंप्लीट भी कर चुका हूँ। इस पर एक ईमेल आईडी भी डाला हूँ और इतना इजी मेथड है भाई। आपको स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से करना है कैसे करना है। तो गाइज़ आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।